है, देखिए तो देखिए ये जो अब यहाँ पे हम जितना डिटेल जाएंगे सारी फिजिक्स होगी, ठीक है, सारी की सारी क्या होगी, फिजिक्स होगी अभी इन सब चीजों में। तो अभी के लिए जो अभी जो आपको पढ़ाया गया है वो सारी चीजें क्या है आपके नेटवर्क की हैं, जितनी भी चीज आपको बताया जा रहा है नेटवर्क की हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना आप यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे देखिए क्या होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि हर एक चीज की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हर एक चीज की प्रॉपर्टी होती है, मैं आपसे बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे आप लोग क्वाइलिंग पढ़ते होंगे, मैं आपसे थोड़ा सा ये कह रहा हूँ ना कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे, हो सकता है बहुत डिटेल बैकग्राउंड ना हो फिजिक्स का, तो प्रॉब्लम उन लोगों के लिए, तो अगर कोई भी दिक्कत किसी अगर आपको होती है तो आप अलग से पूछ लीजिएगा, मैं अलग से बता दूंगा, वो सारा ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे अभी आप क्वाइलिंग सुनते होंगे, इंडक्शन इंडक्टर मोटर सुनते होंगे, तो आप क्वाइलिंग कुछ ऐसे होती है, ठीक है। तो हर एक का क्या होता है, यहाँ पे रीजन होता है, अब रीजन के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, उसकी देखा जाए तो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में जाना होगा, और वहां पे हम जाना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी ऑफलाइन वगैरह क्लास भी स्टार्ट होने वाली, आप क्योंकि पूरी क्लास खराब हो जाएगी इसके चक्कर में, ठीक। तो वही भी पूछना, या फिर जिसको भी जरूरत हो, क्या किस कौन पूछ रहा है यहाँ पे, जो भी पूछ रहा है, ठीक है, विवेक या कौन पूछ रहा है, अलग से मुझसे पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि क्लास में नहीं बता सकता सारी चीज। चलो चलिए, देखिएगा अब यहाँ पे क्या होता है इसमें ना, ट्विस्टेड पेयर केबल की दो चीजें तो आप समझ गए हैं, दो चीजें आप जान चुके हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल दिखती कैसे कैसे होती है, इसका तो दो वायर्स होते हैं, दो क्या होते हैं यहाँ पे वायर्स होते हैं, और जो आपस में क्या होते हैं ट्विस्ट होते हैं, क्या होते हैं आपस में इस तरीके से ट्विस्ट होते हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, आगे की बात, यहाँ पर मोस्टली ये लैंड में क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल केबल इज मोस्टली यूज इन लैंड, यूज इन लैंड, ठीक है। 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। ट्विस्टेड पेयर केबल इज मोस्टली यूज इन लैंड, चलिए लैन का मतलब लोकल एरिया, नेटवर्क में सबसे ज्यादा जो आपकी यूज होती है वो क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज होती है। अब एक जो चीज आप ध्यान से यहाँ पे सुनना, अब एक जो पॉइंट यहाँ पे ध्यान से आप सुनना कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसमें जो ईएमआई का इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, इस पर जो ईएमआई का इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख लो, कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लो, हाई या हायर ईएमआई इफेक्ट, ईएमआई इफेक्ट ऑन ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। और जो एटेन्युएशन होता है वो भी हाई होता है, जो एटेन्युएशन होता है वो भी हाई होता है, हाई एटेन्युएशन, हाई एटेन्युएशन, हाई एटेन्युएशन। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो लो होती है, ठीक, क्या होती है, लो बैंडविड्थ होती है, इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, लो होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बैंडविड्थ बहुत हाई नहीं होती ट्विस्टेड पेयर केबल की, वो क्या होती है, लो ही होती है यहाँ पे ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ईएमआई का इफेक्ट होता है वो भी बहुत हाई होता है, अदर केबल के कंपेरिजन में जो आप पढ़ोगे उस मेजर के कंपेरिजन में इसका क्या होता है, हाई होता है, और अगर अटेन्युएशन की बात करें तो वो भी हाई होता है, लेकिन जो बैंडविड्थ की बात है तो क्या होती है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अब आपको क्या लग रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ जितनी भी केबल आगे आप पढ़ने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल कोएक्सियल केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल, उन दोनों केबल से इसका एटेन्युएशन हाई होगा, इसपे ईएमआई इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब बाहरी जो सिग्नल से प्रभावित इसे करेंगे, और इसका जो बैंडविड्थ होता है लो होता है। तो आप खुद बताओ, ये जो अदर केबल्स हैं फॉर एग्जाम्पल कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल, उनसे बेस्ट होगी, ठीक है, मतलब उनसे गुड होगी कि बैड होगी, आप ये बोल सकते हो, उनसे अच्छी होगी कि खराब होगी, हाँ आकाश यू कैन से, जी जी 16 अगस्त, ठीक है, चलिए। तो
इसका मतलब है, ये की तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे ये कंपेरिजन आएगा तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो दो टाइप की होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल टू टाइप की होती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। पहला नाम है यहां पे देखिए यूटीपी, क्या है यूटीपी, और दूसरा यहां पे एसटीपी, यूटीपी और एसटीपी, ठीक है। यूटीपी का मतलब होता है अनसील्डेड, तो याद रखना है, टाइप से मतलब है, बहुत डिटेलिंग यहां पूछता भी नहीं आपके एग्जाम में, अनसील्डेड टाइप जरूर याद रखना, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर यार, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और दूसरा समझ गए होंगे आप, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सील्डेड ट्विस्टेड पेयर दो टाइप की केबल्स होती है यहाँ पे, एक होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक क्या होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो टाइप याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम में, ये दे देगा कहेगा कौन सा क्या होगा, इसका आपका फुल फॉर्म होगा। तो यूटीपी का मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एसटीपी का मतलब सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दो टाइप की ट्विस्टेड पेयर केबल्स यहाँ पे होती है, ठीक है। ओके, ये आपका एक बैड मीडिया होगा, जो लोग का आंसर गुड वगैरह किसी एक दो का, ध्यान रखिएगा ये अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आगे के लिए भी होगा, तीनों को हम कंपेरिजन साथ में जरूर करेंगे, उस समय आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर अच्छा मीडिया होता है, ऐसी बात नहीं, बहुत बुरा मीडिया नहीं होता, लेकिन मैं अगर जब दोनों से कंपेरिजन करूंगा तो उन दोनों से क्या होगा, ये बैड होगा, ठीक है, उन दोनों से क्या होगा, बैड होगा। बाकी तो क्यों नहीं, लाइन में पूरा यही यूज हो रहा है, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे बैड का मतलब होता है ये यूज ही नहीं होगा, बिना ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, उन क्योंकि वो लोग कास्टली होती है ना, अभी आप ये बताओ आपका काम क्या है, आपका काम है डेटा को लेके जाना, ठीक है, स्पीड की वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं, स्पीड की जरूरत है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये, आप ऐसे सोचो कि अगर आप ऐसे ही रूम के अंदर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप रूम के अंदर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो और वैसे वो भी क्या है, आपके पास कोई फाइल है कॉपी कर रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका डेटा वहां पे थोड़ा लेट ही पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर भी स्पीड बहुत अच्छी होती है, स्पीड आपकी बहुत अच्छी होती है, ये MBPS वगैरह में क्या होती है, स्पीड होती है। तो मत सोचिएगा कि स्पीड कम है, अगर MBPS 10 MBPS 20 MBPS अगर स्पीड है तो बहुत ज्यादा मानी जाती है, ठीक है, उससे ज्यादा स्पीड होती है वो सारी चीज। लेकिन हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ फोन पे बात करनी है आपको, फोन लाइन्स जानते हो, फोन पे बात करनी है, इंटरनेट चलाना है, तो उसके लिए आप इन केबल्स का कहाँ पे यूज कर पाएंगे ना, वहां पे फेल हो जाएंगे। बाकी चलिए ठीक है, डिस्कशन आगे होता रहेगा, तो अभी मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, तीनों पढ़ाने के बाद फिर बताऊंगा किसका कहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ना, या कौन कहाँ के लिए सुटेबल है। सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये सस्ती केबल है, चीपर केबल है, सबसे चीपर है, ये तो एडवांटेज ही हुआ ना इसका, ठीक है, ये जान लेंगे, ये चीपेस्ट केबल है, ध्यान रखिएगा, सबसे सस्ती केबल यही है, चीपेस्ट मीडिया, ठीक। चलिए तो अब यहां बात कर लेते हैं यूटीपी की और एसटीपी की। यूटीपी क्या होता है और आपका एसटीपी क्या होता है ना, चलो कोई डाउट है किसी से, सर हमें इसे पूरी तरह से फिजिकली जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं सर, हम इसे पूरी तरह से फिजिकली जानना चाहते, नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन क्या आकाश, मतलब पूरी तरह से फिजिकली जानना चाहते हो, सस्ती मीडिया है, सस्ता होता है, चीप का मतलब होता है सस्ता, सस्ता है, ठीक है, समझ आया आपको, महंगा नहीं होगा, ठीक है, ये केवल महंगी नहीं होती, हाँ फिजिकली जानना है ना, तो फिजिकली अभी देखो तीन दोनों आप पढ़ लो, तीनों पढ़ लो, अब तीनों जब पढ़ोगे ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा ना लाकर को, केबल दिखा दूंगा आपको, ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, इमेज के थ्रू ज्यादा बेटर होगा, वैसे केबल लाके आपको दिखा दूंगा, तो वो जब आप नेटवर्क पढ़ लोगे ना,
जैसे नेटवर्क जो आप पढ़ोगे वहां पे, मीडिया सारे पढ़ लो यहाँ पे, तो जब जरूरत आपको होगी तो आपके सामने खुद ही आ जाएगी। मैं आपसे कह दूंगा चलो ठीक है जाके मार्केट से ले लेना, डिफरेंट टाइप की केबल्स होती हैं। जैसे उसी में एक मार्केट में जाओगे आपको बोलना पड़ेगा क्रास केबल चाहिए मुझे, स्ट्रेट प्रो केबल चाहिए, ठीक है उसको आपको बोलना पड़ेगा, उसके थ्रू मिल जाएगी। तो प्रैक्टिकली ही यहाँ पे बता दूंगा मैं सारी चीजें, उसके लिए परेशान ना होइए कि फिजिकली जानना चाहते हैं। फिजिकली का मतलब यही है कि यहाँ पे ये जो केबल आपको ऐसे दिखती है ट्विस्टेड बेयर केबल। और एक चीज और आप लोग समझिए यहाँ पे, आप दरअसल आप जो कोर्स कर रहे होते हैं ये कोर्स क्या होता है, बीसीए होता है, ठीक है, या आपका क्या होता है ओ लेवल होता है ना। तो प्रियोरिटी आपकी सबसे पहले इस चीज की क्या होती है, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है। और जब आप नॉलेज ले लेते हो यहाँ पे, तो जैसे कहने का मतलब हुआ कि आप क्रिएशन, अब कोई कहो आप यहाँ पे ये बोलो कि सर मुझे वायर बनाना, यार आपका ये काम नहीं है, आप एक प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर क्या करने जा क्रिएट करने जा रहे हो, तो आप इस पे फोकस करो ज्यादा बेटर होगा ना मेरे हिसाब से। और हाँ अगर आपको जानने की, आपको क्या आप जानना चाहते हो किसी चीज के बारे में, तो आप जैसे क्या होता है कि पहले पूरा टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और जब आप सारी चीजें पढ़ लोगे तब आपके सामने ला करके मैं वायर रख दूंगा यहाँ पे, ढेर सारे वायर रख दूंगा, ठीक है। तो आपको वहां पे क्या करना, पहचानना है कौन सी किस टाइप की ट्विस्टेड पेयर केबल है, कौन सी कोएक्सियल केबल है, कौन सी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो आप पहचान जाओ, पहचानने के बाद अपना क्या करो वर्क करो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है, यही करना है हमें ना। चलिए तो यार मैं कहाँ पे था, चलो कभी कभी हो जाता है सब। आ जाओ ध्यान से देखना, यूटीपी का मतलब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ये केबल है आपके सामने, ये केबल है मान लेता हूँ, ठीक है, ये केबल है। आप सभी को पता है केबल के ऊपर एक प्लास्टिक का क्या लगा होता है, कवर लगा होता है, केबल के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है, और उसके अंदर ये वायर्स होते हैं, ये वायर्स निकले होते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है, टाइम फिनिश होने वाला, चलिए अच्छा ठीक है, चलिए इसको हम बात यहाँ पे एसटीपी यूटीपी की बात नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहता है, आई होप क्लासेस आपको समझ में आई होंगी, कोई डाउट किसी को हो तो आप पूछ लिया करो ना, पूछ जरूर लेना, और हाँ जितना भी मैं बता रहा हूँ उतना करो आप, ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना करो, थैंक यू। हाँ जो पूछना हो आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज करो मुझसे, मैसेज करो, जो मुझे लगेगा नहीं ये चीज क्लास आपके बताने लायक है तो मैं बता दूंगा चीज है ना, नहीं तो बोल दूंगा कि चलो 5 क्लास के बाद 1 क्लास के बाद बताऊंगा इस चीज को ना। देखो आंसर आपको सारे मिलेंगे तो इसलिए परेशान मत हो, आंसर की मत परेशान ना, कोई भी टॉपिक होगा कोई सब्जेक्ट होगा अगर आप पूछोगे तो आंसर मिलेंगे आपको, इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ हर चीज का एक टाइम होता है तो मैं उसमें बता दूँ, व्हाट्सएप नंबर ही है यार, 888-11-8954 ये व्हाट्सएप नंबर है।